हेलो दोस्तों, नमस्कार, जुआर जुआर, राम राम, सत श्रीकाल, वालेकुम सलाम, आदाब, नमस्ते, जय भीम, जय जिनेंद्र, जय छत्तीसगढ़, जय बस्तर। दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त रुपेश भागवत का स्वागत करता हूँ अपने इस नए व्लॉग एंड वीडियो पे। तो दोस्तों, हर बार की तरह हमारे सुपरस्टार सोमेश भी हमारे साथ वीडियो पे बने हुए हैं। और दोस्तों, हमारे एक नए भाई विनोद भाई जो है हेडम ब्रो चैनल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो दोस्तों, जिन्होंने इनके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों हम दोनों के चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, अपना प्यार इसी तरह बनाए रहें। और दोस्तों, इस वक्त हम लोग हैं पाथरी नामक गांव के पास, और एक विशाल शिवलिंग है और काफ़ी प्राचीन है दोस्तों, वो 6वीं शताब्दी का शिवलिंग है, और उसका दर्शन हम लोग आप लोगों को करवाने ले जा रहे हैं। और दोस्तों, जितने देर में मैं आप लोगों को शिव बाबा के यानी कि भोले बाबा जी के दर्शन करवाने ले चलूँ, उतने देर में आप लोगों से रिक्वेस्ट है जो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हम तीनों के चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। तो वीडियो पर बने रहें, आप लोगों को लेकर चलता हूँ मैं शिव मंदिर पर। चलिए दोस्तों, तो आप अपना नाम बता दो। मुरा। तो ये मंदिर यानी शिवलिंग है, तो ये कैसे मिला? ये हमारे खोद वगैरह ईटा खोद रहे थे तो। और ये गांव का क्या नाम है पूरा? खोदागुड़ा। पात्री में आते हैं तो ये बकाउंड क्षेत्र यानी बकाउंड क्षेत्र में आए बकाउंड से कुलावल। तो क्या खोद रहे थे यहाँ पे? ईटा खोद रहे थे। कितना साल हो गया ये शिवलिंग निकले? दस पंद्रह साल हो गए। और यहाँ पे शिवरात्रि में कैसा मेला वेला लगता है कि ऐसी पूजा करते हैं? खाली पूजा करते हैं। और पूजा कौन करता है यहाँ पे? पीलू। कौन पुजारी है? कौन पुजारी है? गांव के पुजारी। और क्या क्या मिला है यहाँ और ये शिवलिंग के साथ? काय और वो ढूंढते समय वो वाला है बोरिंग खोदते समय तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं इस वक्त हम लोग हैं पाथरी नामक गांव के समीप, और काफी विशाल शिवलिंग है। और ये शिवलिंग देख सकते हैं, इसकी ऊंचाई लगभग 2 से 2.5 फीट के लगभग होगी, और यह 6वीं शताब्दी का शिवलिंग है। और पहले यहाँ पे एक मंदिर हुआ करता था दोस्तों, जो ईंटों से निर्मित है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बस्तर वाले वीडियो में दिखाया था 800 साल पुराना ईंट। तो यह है दोस्तों 6वीं शताब्दी का मंदिर, यानी कि यह काफ़ी साल पुराना यह मंदिर है, और यह है शिव मंदिर। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे एक जलहरी बनी हुई और उसमें कई तरह के दरार दिख रहे होंगे आप लोगों को, और काफ़ी विशाल जलहरी है। और जलहरी की चौड़ाई लगभग 4 फीट और इसकी लंबाई 5 फीट है। और जलहरी के जो मुख है दोस्तों, जिस तरफ से जलाभिषेक किया जाता है और पानी जिस तरफ बह के या दूध जिस तरफ बह के निकलता है, वह हिस्सा है पूर्वमुखी, यानी कि पूर्व दिशा की ओर इसका जलहरी है उसका निर्माण किया गया है। और चित्रकूट के जो शिव मंदिर सिंघईगुड़ी वाला हमने आप लोगों को दिखाया था, दोनों में काफ़ी फ़र्क है। प्रथम दृष्टि हम लोगों ने जब इसे देखा तो काफ़ी अचरज हुआ। तो देख सकते हैं दोस्तों, काफ़ी विशाल शिवलिंग, और जब इस जगह की खुदाई हो रही थी और ये जो शिवलिंग मिला था उस समय दोस्तों, गैती जिसे कहते हैं, पता नहीं आप लोगों के क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है उसे, हमारे क्षेत्र में गैती कहते हैं, तो उसकी चोट से यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा डैमेज हो गया है। चोट के निशान आप लोग देख सकते हैं शिवलिंग में। और इस वक्त हमारे साथ जो बुज़ुर्ग हैं, उस समय यही सब लोग यहाँ की खुदाई कर रहे थे और उन्हीं के समय में मिला। तो आज से लगभग 15 साल हो गए इस मंदिर का निकले हुए। तो देखिए दोस्तों, काफ़ी खूबसूरत और प्राचीन। तो दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों के लिए, और कई लोगों ने कमेंट किए थे दोस्तों कि जो बस्तर वाला वीडियो मैंने दिखाया था, जहाँ प्राचीन जो महल थे उसके जो स्मारक के जो अवशेष बचे थे, उनमें एक विशाल ईंटा था दोस्तों, जिसका साइज़ इतना बड़ा था। और कई लोगों ने कहा कि वो अभी अभी का निर्मित कच्चा लग रहा है, और कई लोगों ने कहा कि वो पत्थर है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, मिट्टी से निर्मित ये है ईंट है, और यह भी काफ़ी प्राचीन है दोस्तों। वहाँ पे हमने 800 साल पुराना दिखाया था, और ये तो उससे 200 साल और पुराना है, यानी कि 6वीं शताब्दी का यह ईंट। तो देख सकते हैं इतना विशाल ईंटा, जो
एक पत्थर की तरह नज़र आ रहा है दोस्तों, इसका वजन भी काफ़ी है। तो देख सकते हैं पुरातन ज़माने में, यानी कि जिस समय राजा महाराजाओं का दौर चलता था, उस समय के ईंटें किस तरह की होते थे। तो देख सकते हैं दोस्तों, और इस वक्त हम लोग हैं पाथरी नामक गांव में, और मेरे पीछे है वह शिवलिंग, जो जिस तरह वहां पे निर्माण किया गया, एक झोपड़ी की तरह बनाया गया है शिवलिंग के ऊपर का हिस्सा। तो दोस्तों देखिए, इतना प्राचीन ईंटा मैं इसे नीचे रखने जा रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, पहले के ज़माने में किस तरह की ईंटें मिलती थी, जो आज भी कई सैकड़ों साल बाद भी जैसी की वैसी है। और हमारे पीछे देख सकते हैं वो मंदिर। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, यह जो मंदिर का वो हिस्सा है, तो दोस्तों वहाँ पे एक टीलेनुमा क्षेत्र बना हुआ है। अगर इस कोने से देखें जहाँ पे वो आपको ईंटें नज़र आ रही होंगी, ईंट के अवशेष, तो इस हिस्से से अगर आप लोग देखें उस हिस्से तक, तो वहाँ पे ईंट के अवशेष हैं दोस्तों, जो प्राचीन ईंट हैं। और दोस्तों जिस जगह यह गुड़ीनुमा एक क्षेत्र बना हुआ है, जिसके अंदर शिवलिंग है, तो दोस्तों यह जो हिस्सा है ये काफ़ी प्राचीन है। और आज से लगभग 15 साल पहले लोगों को ईंट की ज़रूरत थी, जिस समय यहाँ पे बोरवेल की खुदाई हो रही थी या हैंडपम्प की, उस समय के ग्रामीणों ने जब देखा कि यहाँ ईंट की एक ढेर लगा हुआ है, तो उन्होंने कोशिश किया कि यहाँ से ईंट ले जाके हम लोग उस बोरवेल या फिर हैंडपम्प का निर्माण कर देते हैं। तो जब यहाँ पे ईंट की खुदाई हो रही थी दोस्तों, तो तभी वो शिवलिंग का पता चला। और जब लोगों ने देखा कि यहाँ इतने प्राचीन ईंट हैं, तो उन्हें एहसास हुआ बुज़ुर्गों को कि ज़रूर ये कोई ऐतिहासिक जगह है, इसलिए बाद में उन्होंने खुदाई छोड़ दी और यहाँ की ईंटों को ले जाना बंद कर दिया और उस शिवलिंग की पूजा करने लगे। और दोस्तों आगे में एक गोल चट्टान है दोस्तों, तो उसे आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। और दोस्तों हमें पता चला कि जब इस जगह की खुदाई हो रही थी और यहाँ पे जब हल से जोताई हो रही थी, खेत के लिए काम कर रहे थे ग्रामीण, तब दोस्तों उस जगह पे उस जलहरी को पाया गया और उस जलहरी को निकाला गया। तो चलिए दोस्तों आप लोगों को लेकर चलता हूँ आगे मैं। तो दोस्तों देख सकते हैं मंदिर परिसर में, जैसे ही आप लोग बाहर की ओर, मंदिर परिसर के बाहर की ओर अगर आप लोग देखेंगे, तो सबसे पहले प्रथम आप लोगों को देखने को मिलेगा ये विशाल चट्टान, तो जो लगभग जिसकी चौड़ाई 2 फीट की है और लंबाई भी लगभग समान ही है। और दोस्तों ये काफ़ी प्राचीन है ये भी, और ये एक जलहरी की तरह है, जैसे शिवलिंग के पास एक जलहरी होता था, तो ये भी जलहरी की तरह है। और अगर पास से हम लोग देखें, विनोद भाई थोड़ा पास में ले आओ, कैमरा ऊपर से दिखा दीजिए, तो इसके अंदर एक घेरा है दोस्तों, जहाँ शिवलिंग को रखा जाए, तो इस तरह का एक घेरा बना हुआ है, वो भी चौकोर है और उसके ऊपर यह शिवलिंग है। तो दोस्तों यह भी उसी प्राचीन ज़माने का, और यह लगभग 6वीं शताब्दी का है ये भी। तो जब मंदिर का निर्माण हुआ था, उस समय पत्थरों और ईंटों से ही मंदिरों का निर्माण होता रहा, तो इस मंदिर में ईंटों से बनाया गया था इस मंदिर को, और ईंटों का इस्तेमाल हुआ था इस मंदिर में। तो देखिए दोस्तों, शिवलिंग, जलहरी और बाहर का ये हिस्सा, तो यह भी दोस्तों यह शिवलिंग और जलहरी है, और ये वाला हिस्सा भी दोस्तों काफ़ी खूबसूरत है, और मंदिर में दिखाने को कुछ ज़्यादा है नहीं, विशेष यही है। तो देखिए दोस्तों, आप लोग देखें ये किस तरह का शिवलिंग है यहाँ पे। और कभी भी आप लोग दोस्तों पाथरी क्षेत्र में, अगर बकाउंड एरिया से इस ओर आ रहे हैं, पाथरी नामक अगर गांव में आप लोग आएंगे, तो इस मंदिर में आना ना भूलें और इसके दर्शन करना ना भूलें। जिस जगह अभी मैं खड़ा हूँ, तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे खुदाई की गई है, शायद मंदिर का निर्माण होना यहाँ पे है। और आप लोग पुराने जो मंदिर के अवशेष देख रहे हैं, ये जो ईंटें दिख रही हैं आपको दोस्तों, ये पुराने समय के काफ़ी प्राचीन है, आज से लगभग 6वीं शताब्दी का यह मंदिर है। और इस ओर अगर देखें तो भोले बाबा जी विराजमान हैं, और काफ़ी खूबसूरत शिवलिंग और ये जलहरी, जो काफ़ी भागों में विभक्त हो चुका है समय जैसा जैसा बीतता जा रहा है, और इसकी खूबसूरती लेकिन दोस्तों बरकरार है। अगर सिर्फ जलहरी को देखें तो वो कई टुकड़ों में विभक्त हो चुका है, लेकिन हमारे भोले बाबा आज भी यहाँ विराजमान हैं और इसकी खूबसूरती देखते ही बन रही है दोस्तों। तो मैं यही कामना करूँगा हमारे बस्तरवासियों के या फिर पूरे भारतवासियों को के लिए, कि हमारे भोले बाबा सब पर अपना आशीर्वाद इसी तरह बनाए रखें। हर हर महादेव, जय महाकाल। तो दोस्तों हम लोग आप लोगों को लेके आए इस गांव में, जिसे अभी पाथरी नाम से जाना जाता है, लेकिन किसी ज़माने में दोस्तों जब प्राचीन समय था, इस गांव का नाम था पार्वतीपुर। तो दोस्तों काफ़ी ऐतिहासिक जगह है, और यहाँ पे दोस्तों कई जगह शिवलिंग है, और जिन भी राजाओं के समय में इस जगह का शिवलिंग का निर्माण हुआ था या फिर शिव मंदिरों का निर्माण हुआ था, तो दोस्तों कई जगह पे यहाँ पे उनके अवशेष मिले हैं और कई जगह इनके मंदिर हैं। तो हम लोग कोशिश करेंगे इस जगह को, सभी जगह को ढूंढें और आप लोगों तक इस जगह के वीडियो को पहुँचाएँ। तो दोस्तों वीडियो पर बने रहें, और दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और जो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो हमारे विनोद भाई वहाँ बैठे हुए हैं,
और हमारे सोमेश भी वहाँ खड़े हैं। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले चाहूँगा आप लोगों से आज्ञा। जय छत्तीसगढ़, जय बस्तर दोस्तों।